हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू KASM ट्यूटोरियल। आज आम नवम श्रेणी माध्यमिक ज्यामिति बहर तृतीय अध्याय चतुर्भुज अनुश्रेणी 3B रो नंबर 5 आलोचना करिबा। देख नंबर 5 रे अछि 1 रु बी जाय हला गोटे गोटे कर देख आलोचना करबा। बी 2 आन देख अछि ए बी सी डी एको उत्तर चतुर्भुज एथिरे बी कोण सी कोण डी कोण रो परिमाण यथाक्रमे ए कोण रो परिमाण 2 गुण कमा 3 गुण कमा 4 गुण हेले दर्शाओ जे इहा को ट्रापीजियम। तो देख ए बी सी डी गुटे होछि देख ए बी सी डी होछि गुटे ट्रापीजियम कि नै ए ट्रापीजियम रो कोण कहिछि ना उत्तर चतुर्भुज सॉरी ए बी आमे दर्शेबा कोण ना ए बी सी डी होछि गुटे ट्रापीजियम। देख ए बी सी डी हूँ गोटे कौन ना उत्तल चतुर्भुज ये गोटे उत्तल चतुर्भुज कि ना। तो देख एथिरे कौन हो तो ये उत्तल चतुर्भुज देख बी कौन कही सी कौन आी कोण परिमाण दी कौन ना ए कोण दुई गुण बी कोण परिमाण सी कोण परिमाण के तीन गुण ए कोण डी कोण परिमाण के ए कोण रोचे चार गुण बुझी कि ना। तो आम दर्शेबा कौन ना ए बी सी डी हूँ गोटे चतुर् मानने ट्राफिजियम उत्तल चतुर्भुज दिखाई ए बी सी डी गोटे कौन उत्तल चतुर्भुज उत्तर चतुर्भुज मैंने कौन से बाबू गुड़ाक कौन मानते कौन आम छेद करवानी मैंने बीसी बाबू आसिक एडी बाबू सहित छेद करवानी बुझे कि ना। तो देख तेनाली ए बी सी डी हूँ गोटे उत्तर चतुर्भुज आम प्रमाण करवा ए बी सी डी हूँ गोटे ट्राफिजियम। तो दत्तर लिखिदे देख ए बी सी डी गोटे हूँ कौन ना उत्तर चतुर्भुज बी कोण सी कोण डी कोण परिमाण कही बी कोण सी कोण डी कोण परिमाण यथाक्रम ए कोण दुई गुण कही ए कोण परिमाण दुई गुण तीन गुण चार गुण मैंने ए बी कोण परिमाण कहते ए कोण दुई गुण सी कोण परिमाण कहते ए कोण तीन गुण डी कोण परिमाण कहते ना ए कोण चार गुण बुझे कि ना। तो दत्तरे लिखिदे प्रामाण्य देख देख ए बी सी डी गोटे हूँ ट्राफिजियम बुझे कि प्रमाण करवा। तो मन कर आम ए कोण टाक ना ए कोण टाइम जब एक्स ना तो ए कोण जब एक्स डिग्री ने तो बी कोण टाइम हम ये टू एक्स हम कारण ए कोण रेत कही दुई गुण कही सी कोण टाइम ना ए कोण तीन गुण मैंने ये थ्री एक्स डिग्री हम ये कैसे हम ये हूँ चार गुण मैंने फोर एक्स ए कोण चार गुण मैंने फोर एक्स डिग्री हम। तो मन कर ए कोण हूँ एक्स तो बी कोण के टू एक्स सी कोण हूँ थ्री एक्स और डी कोण के फोर एक्स। तो देख ए कोण आम जानू कौन ना चतुर्भुज उत्तर चतुर्भुज चारिकोण समष्टि के 360 डिग्री हम कि ना। तो देख ए कोण युक्त बी कोण युक्त सी कोण युक्त डी कोण समान 360 डिग्री 60 डिग्री लिखित जेहेतु चतुर्भुज चारिकोण परिमाण समष्टि 360 डिग्री ए कोण जगह कैसे लिखिदे ए कोण जगह तुम एक्स लिखा बी कोण जगह टू एक्स लिखा सी कोण जगह थ्री एक्स लिखा और डी कोण जगह कैसे लिखा फोर एक्स लिखा। तो एक्स प्लस टू एक्स प्लस थ्री एक्स प्लस फोर एक्स मैंने ना 360 डिग्री तो मिसाई देखा देख एक्स आउ टू एक्स थ्री एक्स थ्री एक्स सिक्स एक्स सिक्स एक्स प्लस फोर एक्स टेन एक्स टेन एक्स मान 360 डिग्री एक्स वन कहते हैं टेनटा गुण नहीं थी प्लस कौन हरण जीव एक्स वन 360 डिग्री बाय टेन एक्स वन कहते 36 डिग्री आम एक्सटा के 36 डिग्री बाहर 36 डिग्री तो लिखिद अत चतुर्भुज कोण गुड़िकर परिमाण यथाक्रमे ए कोण के कोणटा एक्स मैं 36 डिग्री बी कोणटा आम कहते टू एक्स टू गुण एक्सटा के 36 डिग्री मैं 72 डिग्री सी कोण के सी कोण हूँ थ्री एक्स मैंने थ्री गुण एक्सटा के 36 डिग्री मैंने 108 डिग्री डी कोण के फोर एक्स फोर इंटू 36 डिग्री मैंने कहते 144 डिग्री है। तापर देख आम कौन कही आम दर्शेबा जो कौन यहाँ ट्राफिजियम कि ना। देख आम बी कोण टा देख बी कोण आउ सी कोण को देखा देख बी कोण आउ सी कोण मिसेले के देख बी कोण टाला 72 डिग्री आउ सी कोण टा के देख आम आते 108 डिग्री मिसेले के देख ए बी कोण युक्त सी कोण मिसेले के देख बी कोण बी कोण आउ सी कोण मिसेले आम आसला के 180 मैंने 72 डिग्री प्लस 108 डिग्री 180 डिग्री आसला कि नहीं तो 180 डिग्री आसला मैंने देख चित्रटा को लक्ष्य कर ये दुटा मिसला 180 तुम ये छेद कहला तो ए बी आउ ए सी डी सरल रेखा तो कौन है समांतर हे देख कि ना ये देख 180 बी कोण आसला के 72 डिग्री सी कोण आसला 108 डिग्री 108 डिग्री तो 72 डिग्री आउ 108 डिग्री मिसले के 180 हम कि नहीं 180 हम तो मैंने ए बी आउ सी डी सरल रेखा तो कौन है समांतर हे कि ना आमर एक छेदक एक पार्श्व तो अंतस्थ कोण परिमाण जब 180 डिग्री हम हेल्ले कौन दीटा सरल रेखा समांतर हे तो मैंने ए बी समांतर डी सी बुझीगला कि नहीं। तो लिखिदेव तो ए बी समांतर डी सी बुझीगला कि नहीं अत ए बी सी डी एक ट्राफिजियम प्रमाणित होगा। देख 5 नंबर 2 रे अछि ए बी सी डी चतुर्भुज रे ए कोण ओ बी कोण रो समद्विखंडक परस्पर को ओ बिंदु रे छेद करंती एवं ए ओ बी कोण एक समकोण हेले प्रमाण करो जे ए बी सी डी एक ट्राफिजियम।
ଦେଖ ଏ ବି ସି ଚତୁର୍ଭୁଜରେ କଣ କହିଛି ନା, ଏ କୋଣ ବି କୋଣର ସମଦ୍ୱି ଖଣ୍ଡକ ପରସ୍ପରକୁ ଅବିନ୍ଦୁରେ ଛେଦ କରୁଛି। ସମଦ୍ୱି ଖଣ୍ଡକ ମାନେ ଏ ଦୁଇଟା କୋଣର ପରିମାଣ ସମାନ ହେବ, ଏମିତି ବି କୋଣର ସମଦ୍ୱି ଖଣ୍ଡକ ମାନେ ଏ ଦୁଇଟା କୋଣର ପରିମାଣ ସମାନ ହେବ। ଏ ଓ ବି କୋଣ ଏକ ସମକୋଣ ମାନେ ଏଇଟା ସମକୋଣ ମାନେ କେତେ, ଏ 90 ଡିଗ୍ରୀ, ଏ ଓ ବି କୋଣ କେତେ 90 ଡିଗ୍ରୀ। ହେଲେ ଆମେ ପ୍ରମାଣ କରିବା ନା କି ଏ ବି ସି ଡି ଗୋଟେ ହେଉଛି, ଏ ବି ସି ଡି ଗୋଟିଏ ଟ୍ରାପିଜିୟମ, ଏକ ଟ୍ରାପିଜିୟମ ଆମେ ପ୍ରମାଣ କରିବା। ଦେଖ ଦତ୍ତରେ ଲେଖିଦେବ ଏ ବି ସି ଡି ଚତୁର୍ଭୁଜରେ ଏ କୋଣ ଓ ବି କୋଣର ସମଦ୍ୱି ଖଣ୍ଡକ ଦ୍ୱୟ ପରସ୍ପରକୁ ଓ ବିନ୍ଦୁରେ ଛେଦ କରନ୍ତି। ଆଉ କ'ଣ ଦିଆଯାଇଛି ନା ଏ ଓ ବି କୋଣ ସମକୋଣ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏ ଓ ବି କୋଣ ହେଉଛି 90 ଡିଗ୍ରୀ। ତ ପ୍ରାମାଣ୍ୟରେ ଲେଖିଦେବା ଏ ବି ସି ଡି ଗୋଟିଏ ଏକ ଟ୍ରାପିଜିୟମ। ଦେଖ ପ୍ରମାଣ କରିବା ଏ ବି ସି ଡି ଚତୁର୍ଭୁଜରେ ଏ ଓ ବି କୋଣ କେତେ 90 ଡିଗ୍ରୀ, 90 ଡିଗ୍ରୀ। ଦେଖ ତ୍ରିଭୁଜ ଏ ଓ ବି ରେ ତାର ମାନେ ତ୍ରିଭୁଜ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, ତ୍ରିଭୁଜ ଏ ଓ ବି ରେ ତାମାନେ ଏ ଓ ବି କୋଣ ଯୁକ୍ତ ଏ ବି ଓ କୋଣ ଯୁକ୍ତ ଓ ଏ ବି କୋଣ ମିଶିଲେ କେତେ ହେବ, 180 ଡିଗ୍ରୀ ହେବ କି ନାହିଁ। ଗୋଟେ ତ୍ରିଭୁଜର ତିନି କୋଣର ପରିମାଣ ସମଷ୍ଟି କେତେ ନା 180 ଡିଗ୍ରୀ, ତା ମାନେ ଏ ଓ ବି କୋଣ ତ ଦେଇଦେଇଛି ଅଲରେଡି 90 ଡିଗ୍ରୀ। ତ ଏ ଓ ବି କୋଣ ଯେଉଁ 90 ଡିଗ୍ରୀ ଲେଖିଦେବା, ତ ଓ ବି ଏ କୋଣ ଯୁକ୍ତ ଓ ଏ ବି କୋଣ ସମାନ ହେଉଛି 180 ଡିଗ୍ରୀ। ଦେଖ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ତାପରେ ଏଇ 90 ଡିଗ୍ରୀଟା ଏପଟେ ଆସିଲେ କ'ଣ ମାଇନସ୍ ହେଇଯିବ, ତାମାନେ ଓ ବି ଏ କୋଣ ଯୁକ୍ତ ଓ ଏ ବି କୋଣ ତାହେଲେ କେତେ 180 ଡିଗ୍ରୀରୁ ମାଇନସ୍ 90 ଡିଗ୍ରୀ ହେବ। ତ ଓ ବି ଏ କୋଣ ଯୁକ୍ତ ଓ ଏ ବି କୋଣ କେତେ 90 ଡିଗ୍ରୀ ଆସିଲା। ତ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଟୁ ଗୁଣନ କରିଦେବା। ଟୁ ଗୁଣନ କଲେ କ'ଣ ହେବ, ଟୁ ଗୁଣନ ଏମ ଓ ବି ଏ କୋଣ ଯୁକ୍ତ ଟୁ ଗୁଣନ ଓ ଏ ବି କୋଣ ସମାନ ଟୁ ଗୁଣନ କେତେ ହେବ, 90 ଡିଗ୍ରୀ। ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଟୁ ଗୁଣନ କରିଦେଲେ ଦେଖ ଓ ଟୁ ଗୁଣନ ଆମେ କ'ଣ କରିଦେଲେ ନା ଓ ବି ଏ କୋଣ, ଯଦି ଟୁ ଗୁଣନ କରିଦେବା ଓ ବି ଏ ରେ ଆମର ଏ ବି ସି କ'ଣ ଆସିଯିବ କି ନାହିଁ, ସେମିତି ଟୁ ଏ ବି ରେ ଯଦି ଆମେ ଗୁଣନ କରିବା ଟୁ, ତା ମାନେ କ'ଣ ଆସିଯିବ, ବି ଏ ଡି କ'ଣ ଆସିଯିବ ବା ଡି ଏ ବି କ'ଣ ଆସିଯିବ, ବୁଝିହେଲା କି ନାହିଁ। ତ ଦେଖ ଏ ବି ଆମେ ଟୁ ଗୁଣନ କଲେ ଓ ବି ଏ କୁଡ଼ିଏ, କ'ଣ କଲେ ନା ଏ ବି ସି କ'ଣ ଆସିଗଲା, ସେମିତି ଟୁ ଇଣ୍ଟୁ ଓ ଏ ବି ରେ ଗୁଣନ କଲେ କ'ଣ ନା ଡି ଏ ବି କ'ଣ ଆସିଗଲା, ବୁଝିହେଲା କି ନାହିଁ, ସେମାନେ 180 ଡିଗ୍ରୀ। ତ ଏ ବି ସି କ'ଣ ଯୁକ୍ତ ଦେଖ ଚିତ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, ଏ ବି ସି କ'ଣ ହେଲା, ଏ ବି ସି କ'ଣ କେଉଁ କ'ଣଟା, ଏ ପୁରା କ'ଣଟା ଯୁକ୍ତ ଡି ଏ ବି କ'ଣ ପୁରା କ'ଣଟା ମିଶିଲେ 180, ତା ମାନେ କ'ଣ ଇଏ ଛେଦକ ର ଏକ ପାର୍ଶ୍ୱ, ତ ଏଡ଼ିର ସରଳ ରେଖା କି ନାହିଁ, ଏଡ଼ି ସରଳ ରେଖା ବି ସି ସରଳ ରେଖା, ଇଏ ହେଉଛି ଛେଦକ, ଏ ବି ହେଉଛି ଛେଦକ, ତା ମାନେ ଏ କ'ଣ ଏ କ'ଣ ମିଶିଲେ 180 ଡିଗ୍ରୀ ଆସିବ। ତ କ'ଣ ଛେଦକ ର ଏକ ପାର୍ଶ୍ୱ ସନ୍ତୋଷ କ'ଣ ପ୍ରାଣ ଯଦି ସମଷ୍ଟି 180 ଡିଗ୍ରୀ ହେବ, ତା ମାନେ ଏ ଡିଟା ଆଉ ବି ସିଟା କ'ଣ ହେବ, ସମାନ୍ତର ହେବ। ସମାନ୍ତର ହେଲା ମାନେ ଯଦି ସମାନ୍ତର ହେବ, ଇଏ ଗୋଟେ ଟ୍ରାପିଜିୟମ, କାରଣ ଟ୍ରାପିଜିୟମର ଏକ ଯୋଡ଼ା ବିପରୀତ ବାହୁ ସମାନ୍ତର, ଆଉ ଗୋଟେ ବିପରୀତ ଯୋଡ଼ା ବାହୁ କ'ଣ ଅସମାନ୍ତର, ଆମର ତ ଯେହେତୁ ଟ୍ରାପିଜିୟମ କହିଛି ଆମେ ଗୋଟେ ଯୋଡ଼ା ବିପରୀତ ବାହୁ ଆମେ ସମାନ୍ତର କରିଦେଲେ ଏଡ଼ି ସମାନ୍ତର ବି ସି, ଅର୍ଥାତ୍ ଏ ବି ସି ଡି ଏକ ଟ୍ରାପିଜିୟମ, ବୁଝିହେଲା କି ନାହିଁ। ତ ଲେଖିଥିଲି ଦେଖ ଏଡ଼ି ସମାନ୍ତର ବି ସି, ତାମାନେ ଏ ବି ସି ଡି ଏକ ଟ୍ରାପିଜିୟମ, ଓ ତ ଏ ବି ସି ଡି ଏକ ଟ୍ରାପିଜିୟମ ପ୍ରମାଣିତ, ବୁଝିହେଲା। ଦେଖ B3 ଅଛି ଏ ବି ସି ଡି ଚତୁର୍ଭୁଜରେ ଏଡ଼ିସି କୋଣ ଏକ ସମକୋଣ, ବିଏସି କୋଣ ସମାନ ଏସିବି କୋଣ ସମାନ 45 ଡିଗ୍ରୀ ଏବଂ ଏଡ଼ି ସମାନ ଡିସି ହେଲେ ପ୍ରମାଣ କର ଯେ ଏହା ଏକ ବର୍ଗଚିତ୍ର କହିଛି। ଦେଖ ଏ ବି ସି ଡି ଚତୁର୍ଭୁଜରେ ଏଡ଼ିସି କୋଣ, ଏ କୋଣଟା କେତେ ଦେଇଛି 90 ଡିଗ୍ରୀ ଦିଆଯାଇଛି, ସମକୋଣ ମାନେ କ'ଣ, ଏଡ଼ିସି କ'ଣ, ଏଡ଼ିସି ମାନେ ଇଏ ହେଉଛି 90 ଡିଗ୍ରୀ। ଦେଖ ବିଏସି କୋଣ ସମାନ ଏସିବି କୋଣ, ବିଏସି କୋଣ ମାନେ ଏଇ କୋଣଟା ସହିତ କିଏ ସମାନ ହେବ, ଏସିବି କୋଣ ସମାନ ହେବ କେତେ ନା 45 ଡିଗ୍ରୀ, ଇଏ 45 ଡିଗ୍ରୀ ଦିଆହେଇଛି, ଇଏ 45 ଡିଗ୍ରୀ ଦିଆହେଇଛି, ଆଉ କ'ଣ ଦିଆହେଇଛି, ଏଡ଼ିଏ ସହିତ ମାନେ ସମାନ କିଏ ନା ଡିସି ସମାନ, ଆମେ ପ୍ରମାଣ କରିବା ଏ ବି ସି ଡି ହେଉଛି ଗୋଟେ ବର୍ଗଚିତ୍ର, ବୁଝିହେଲା କି ନାହିଁ। ଦତ୍ତ ଲେଖିବ ଦେଖ ଏ ବି ସି ଡି ଚତୁର୍ଭୁଜରେ ହେଲା ଏଡ଼ିସି କ'ଣ କେତେ ନା 90 ଡିଗ୍ରୀ ଦିଆହେଇଛି, ସମକୋଣ ମାନେ 90 ଡିଗ୍ରୀ, ଆଉ ବିଏସି କ'ଣ ସମାନ ଏସିବି କ'ଣ ସମାନ କେତେ 45 ଡିଗ୍ରୀ ଲେଖିଦେଲେ, ଆଉ ଏଡ଼ି ସାଙ୍ଗରେ କିଏ ସମାନ, ଏଡ଼ି ସାଙ୍ଗରେ ଡିସି ସମାନ। ତ ପ୍ରାମାଣ୍ୟରେ ଲେଖିଦେବା ଏହା ଏକ ବର୍ଗଚିତ୍ର, ମାନେ ଏ ବି ସି ଡି ଏକ ବର୍ଗଚିତ୍ର। ଦେଖ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ପ୍ରମାଣ କରିବା ଆମେ କ'ଣ, ଗୋଟେ କର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗ ଅଙ୍କନ କରିଦେଲେ କ'ଣ, କର୍ଣ୍ଣ ଗୋଟେ ଅଙ୍କନ ଯଦି ପାରିବ ଲେଖିଦେବ ଏସି କର୍ଣ୍ଣକୁ ଯୋଗ କରାଯାଉ ବା ଅଙ୍କନ କରାଯାଉ, ବୁଝିହେଉଛି କି ନାହିଁ। ଅଙ୍କନ କି ପାଇଁ, ଏମିତି ବି ଜଣେ ବିଏସି କ'ଣ ମାନେ କ'ଣ, ଆମେ ତ ଅଙ୍କ ନିହାତି କରିବା ନା ଏସି, ତ ବିଏସି କ'ଣ ମାନେ ଏ କ'ଣଟା 45 ଦିଆଯାଇଛି, ଆଉ ଏସି ବି କ'ଣ ମାନେ ଏଇ କ'ଣ ଦିଆଯାଇଛି, ଅଲରେଡ଼ି ଲେଖା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ଏସି ଅଙ୍କ ଏସି ଅଙ୍କନ କରାଯାଉ କିଛି ଲେଖା ଦରକାର ନାହିଁ, ଦିଦି ଅଲରେଡ଼ି। ତ ଦେଖ ଆମେ ପ୍ରମାଣ କରିବା, ଦେଖ ତ୍ରିଭୁଜ ଏଡ଼ିସିରେ ଦେଖ ଇଏ ଯଦି 90 ଡିଗ୍ରୀ, ତା ମାନେ ଦେଖ ଏ ଦୁଇଟା ବାହୁ ସମାନ, ବାହୁ ସମାନ ମାନେ ତ ଦୁଇଟା ସମ୍ମୁଖୀନ କୋଣ ଦ୍ୱୟ ସମାନ ହେବ କି ନାହିଁ, ତା ମାନେ ଦେଖ ଡିସି ର ସମ୍ମୁଖୀନ କ'ଣ କି ଏ କ'ଣଟା, ତ ଏଚର ସମ୍ମୁଖୀନ କ'ଣ ଏ କ'ଣଟା, ସମାନ ହେବ କି ନାହିଁ, ସମାନ ହେବ। ତ ଦେଖ ତ୍ରିଭୁଜ ଏଡ଼ିସିରେ ଏଡ଼ିସି କ'ଣ ହେଉଛି 90 ଡିଗ୍ରୀ, ତା ମାନେ ଏଡ଼ି ସମାନ ଡିସି ସମାନ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଡିଏସି କ'ଣ ସହିତ ସମାନ ହେବ କିଏ ନା ଏସି ଡି କ'ଣ ସମାନ ହେବ ବା ଡିସି ଏ କ'ଣ ହେବ, ତା ମାନେ ଡିଏସି କ'ଣ ଯଦି ଇଏ 90 ଡିଗ୍ରୀ ମାନେ ଏ ଦୁଇଟା କ'ଣ କେତେ ହେବେ, ଇଏ ନାଇଁ ଟୋଟାଲ 180 ଯଦି 90 ଡିଗ୍ରୀ ମାଇନସ୍ କରିଦେବା ତ କେତେ 90 ଡିଗ୍ରୀ ରହିବ, ତ 90 ଡିଗ୍ରୀ ବାଣ୍ଟି ହେଇଯିବ, କାରଣ ଦୁଇଟା କ'ଣ ସମାନ ମାନେ ଇଏ 45 ଡିଗ୍ରୀ ହେବ, ଇଏ 45 ଡିଗ୍ରୀ ହେବ, ବୁଝିହେଲା କି ନାହିଁ। ତ ଲେଖିଦେବ ସେଇଟା
ডিএসি কোণ সমান ডিসিএ কোণ, তো ডিএসি কোণ সমান ডিসিএ কোণ হচ্ছে 45 ডিগ্রি। তো দেখো লক্ষ্য করো আমি বলছিলাম ত্রিভুজ এবিসি রে দেখো আমাকে দিয়া হয়েছে ইয়ে কত 45 ডিগ্রি, ইয়ে দিয়ে হয়েছে 45 ডিগ্রি, আমরা প্রমাণ করলে ইয়ে 45 ডিগ্রি ইয়ে 45 ডিগ্রি মিশাই দেবা আমি, তো এটা কেতে হবো 90 ডিগ্রি হয়েযাব, মিশাইলে কেতে হবো 90 ডিগ্রি হয়েযাব, বুঝি হলা কি নাই? তো দেখো আমি সেটা আউ থেকে প্রমাণ করি, দেখো ত্রিভুজ এডিসি আর ত্রিভুজ এবিসি মধ্যে দেখো ডিএসি কোণ সমান কত, বিএসি কোণ দেখো ডিএসি কোণ সাথে বিএসি কোণ সমান হচ্ছে, আর দেখো ডিসিএ কোণ সাথে কি সমান হচ্ছে, দেখো আউ থেকে কৌছি ত্রিভুজ এডিসি আর ত্রিভুজ বিএসি বা এবিসি মধ্যে ডিএসি কোণ সহিত কি সমান না বিএসি কোণ সমান, কি পাই যেটা 40 45 ডিগ্রি, দেখো ডিসিএ কোণ সাথে এসিবি কোণ সমান বা বিসিএ কোণ সমান ইয়ে 45 45 ডিগ্রি, এসিটা হচ্ছে সাধারণ বাহু, তার মানে ত্রিভুজ এডিসি সর্বসম ত্রিভুজ এবিসি, কি পাই না কো কো বা স্কয়ার যে অনুযায়ী, তার মানে কোণ হবো এডিটা সমান্তর সমান হবো কাহা সহিত, তবে অনুরূপ বাহু কি এডি সহ সমান হবো বিসি, ସେମିତି ସିଡ଼ି ସହିତ ସମାନ ହେବ କିଏ ନା ଏବି, କିନ୍ତୁ ଏଡ଼ି ସମାନଙ୍କୁ କିଏ ହେଇଛି କ'ଣ ଡିସି ଦିଆହେଇଛି, ତା ମାନେ ଏବି ସମାନ ସିଡ଼ି ସମାନ ବିସି ସମାନ କ'ଣ ହେବ ଏଡ଼ି ହେବ, ବୁଝିଗଲା କି ନାଇଁ, ତା ମାନେ ଏ ବି ସି ଦିଆ କେଉଁଟା ବର୍ଗଚିତ୍ର ହେବ, ଆଉ ଡି କ'ଣ ତଳେଟି 90 ଡିଗ୍ରୀ ଦିଆହେଇଛି, ତା ମାନେ ଇଏ ଗୋଟେ କ'ଣ ହେବ, ଇଏ ଦୁଇଟା ମିଶେଇଲେ ଆମ 90 ଡିଗ୍ରୀ ଆସିଲା, ତାକୁ ମିଶେଇଲେ ଆମ 90 ଡିଗ୍ରୀ, ତା ମାନେ ଇଏ ଗୋଟେ କ'ଣ, ତ ଇଏ ଅଟୋମେଟିକ କ'ଣ ହେବ, ଇଏ ଅଟୋମେଟିକ 90 ଡିଗ୍ରୀ ହେବ କି ନାଇଁ, ଯଦି ଇଏ 90 ଡିଗ୍ରୀ ହେଲା ଇଏ 90 ଡିଗ୍ରୀ ହେଲା ଇଏ 90 ଡିଗ୍ରୀ, ମାନେ ଇଏ ଅଟୋମେଟିକ 90 ଡିଗ୍ରୀ ହେବ କି ନାଇଁ, ତ ଏ ବାହୁ ଯେହେତୁ ବାହୁକୁ ଆମର ସମାନ କରିଦେଲେ ତ କ'ଣ ବି 90 ଡିଗ୍ରୀ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମକୋଣ, ତା ମାନେ ଇଏ ଗୋଟେ ଆସିଗଲା କ'ଣ ବରଚିତ୍ର, ଦେଖ ତ୍ରିଭୁଜ ଏଡିସି ଓ ତ୍ରିଭୁଜ ଏବିସି ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ଡିଏସି କ'ଣ ସମାନ ବିଏସି କ'ଣ, ଡିସିଏ କ'ଣ ସମାନ ବିସିଏ କ'ଣ, ଏସି ହେଉଛି ସାଧାରଣ ବାହୁ, ଓ ତେବେ ତ୍ରିଭୁଜ ଏଡିସି ସର୍ବସମ ତ୍ରିଭୁଜ ଏବିସି କ ବା କ ସ୍କ୍ୱାର ଅନୁଯାୟୀ, ତ ଏଡି ସମାନ ଏବି ହେବ ଅନୁରୂପ ବାହୁ, ସିଡି ସମାନ କିଏ ହେବ ବିସି ହେବ, ଯେଉଁଟା ମୁଁ କହିଲି, କିନ୍ତୁ ଏଡି ସମାନ ଡିସି ଦତରେ ଦିଆହେଇଛି ହେଲା, ଏଡି ସମାନ ଡିସି କ'ଣ ନା ଇଏ ଦତରେ ଅଛି, ତ ତା ମାନେ କ'ଣ ନା ଏବି ସମାନ ବିସି ସମାନ ସିଡି ସମାନ କ'ଣ ହେବ, ଏଡି ସହିତ ଏବି ସମାନ ସିଡି ସହିତ ବିସି ସମାନ, କିନ୍ତୁ ଦତରେ ଦିଆହେଇଛି କ'ଣ ଏଡି ସହିତ ସମାନ କି ଏଇଟା ସହିତ ସମାନ ଅଛି, ସିଡି ଦତରେ ଦିଆହେଇଛି, ତା ମାନେ ଏଡି ସମାନ ଏବି ସମାନ ସିଡି ସମାନ କି ଓବିସି, ତ ଲେଖିଦେବା ଏବି ସମାନ ବିସି ସମାନ ସିଡି ସମାନ ଏଡି, ଏବଂ ଡି କ'ଣ ତ ଅଲରେଡ଼ି ଦେଇଦେଇଛି ଗୋଟେ କ'ଣ କେତେ ନା ସମକୋଣ, ତା 90 ଡିଗ୍ରୀ, ତା ମାନେ ଏବିସିଡି ଗୋଟେ କ'ଣ ହେବ ବରଚିତ୍ର, ଆଉ ଦୁଇଟା କ'ଣ କ'ଣ ମିଶେଇବା, ମାନେ ଏଡିଏସି କ'ଣ ଆଉ ବିଏସି କ'ଣ ମିଶେଇଲେ ବି 90 ଡିଗ୍ରୀ ହେଉଛି, ସେମିତି ଡିସିଏ କ'ଣ ଆଉ ବିସିଏ କ'ଣ ମିଶେଇଲେ ବି 90 ଡିଗ୍ରୀ ହେଉଛି, ଅର୍ଥାତ୍ କ'ଣ ନା ଏ ବି ସି ଡି ଏକ ବର୍ଗ ଚିତ୍ର ପ୍ରମାଣିତ ହେଇଗଲା। ଦେଖ ଆଇ ଭି ରେ ଅଛି ଏ ବି ସି ଡି ଚତୁର୍ଭୁଜରେ ଏଡି ସମାନ ବି ସି ସମାନ 3 ସେଣ୍ଟିମିଟର, ସି ଡି ସମାନ 8 ସେଣ୍ଟିମିଟର, ଏ ବି ରେଖାଖଣ୍ଡ ଉପରେ ଇ ଓ ଏଫ୍ ଦୁଇଟି ବିନ୍ଦୁ ଯେପରିକି ଏ ଇ ଏଫ୍ ସରଳ ରେଖା ରହିବେ ଏବଂ ଇ ଏଫ୍ କେତେ ନା 2 ସେଣ୍ଟିମିଟର, ବି ସି ଏଫ୍ କ'ଣ ସମାନ ବି ଏଫ୍ ସି କ'ଣ ସମାନ ଏ ଇ ଡି କ'ଣ ସମାନ ଏ ଡି ଇ କ'ଣ କେତେ 45 ଡିଗ୍ରୀ, ହେଲେ ପ୍ରମାଣ କରିବା କ'ଣ ନା ଏ ବି ସି ଡି ଏକ ଆୟତ ଚିତ୍ର, ତ ଦତ୍ତ ଏତିକି ଲେଖିଦେବା, ଏତିକି ହେଉଛି ଦତ୍ତରେ ଲେଖିଦେବା, ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରମାଣକୁ ଯେଉଁଟା ପ୍ରାମାଣ୍ୟରେ ଲେଖିଦେବା ଏବିସିଡି ଏକ ଆୟତ ଚିତ୍ର, ବୁଝିହେଲା। ତ କେମିତି ସମାଧାନ କରିବା, ଦେଖ ଏ ବି ସି ଡି ଚତୁର୍ଭୁଜରେ ଏଡି ସମାନ କେତେ ଦିଆହେଇଛି, ଏଡି ସମାନ ବି ସି 3 3 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଦିଆହେଇଛି, ସି ଡି ଦେଖ ସି ଡି ଦିଆହେଇଛି 8 ସେଣ୍ଟିମିଟର, ତ ଏ ବି ଉପରେ ହେଲା ଇ ଆଉ ଏଫ୍ ଦୁଇଟି ବିନ୍ଦୁ ଯେପରିକି ଏ ଇ ଏଫ୍ ଗୋଟେ ସରଳ ରେଖା ରହିବେ, ଆଉ ଇ ଏଫ୍ କେତେ ଦେଇଛି ଇଏ 2 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଦିଆହେଇଛି ତୋରେ, ଆଉ ଦେଖ ବି ସି ଏଫ୍ କ'ଣ ବି ସି ଏଫ୍ କ'ଣ ଏ କ'ଣ ସହିତ ହେଲା ବି ସି ଏଫ୍ କ'ଣ ସହିତ ବି ଏଫ୍ ସି କ'ଣ ଏ କ'ଣ ସମାନ ସମାନ ଏଇଡି କ'ଣ ଏ କ'ଣ ସମାନ କ'ଣ ନା ଏଡି କ'ଣ ଏ କ'ଣ ନା କେତେ ନା 45 ଡିଗ୍ରୀ, ତା ମାନେ ଇଏ 45 ଡିଗ୍ରୀ ଦିଆହେଇଛି, ଇଏ 45 ଡିଗ୍ରୀ ଦିଆହେଇଛି, ଇଏ ବି 45 ଡିଗ୍ରୀ ଦିଆହେଇଛି, ଆଉ ଇଏ ବି 45 ଡିଗ୍ରୀ ଦିଆହେଇଛି, ହେଲେ ଆମେ ପ୍ରମାଣ କରିବା ନା ଏ ବି ସି ଡି ହେଉଛି ଗୋଟେ ଆ ଚିତ୍ର। ଦେଖ ପ୍ରମାଣ କରିବା କେମିତି, ତ୍ରିଭୁଜ ଏ ଡିଏରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, ଏ ତ୍ରିଭୁଜ ଏ ଡିଏରେ ଦେଖ ଯଦି ଆମର କ'ଣ ଦିଆହେଇଛି ଏ ଇ ଡି କ'ଣ ଆଉ ଏଡି ଇଏ 45 ଇଏ 45, ତା ମାନେ କ'ଣ ଏଡି ଏଡି ସମାନ କିଏ ହେବ, ତା ମାନେ ଏଡି ସହିତ ଏଇ ସମାନ ହେବ କି ନାହିଁ, ତା ମାନେ ଏଡି ସହିତ ଏଇ, ଆଉ ଇଏ କେତେ ହେବ ଇଏ 90 ଡିଗ୍ରୀ ହେଇଯିବ, ଦେଖ ଇଏ 45 ଇଏ 45 କେତେ ହେଲା 90 ଡିଗ୍ରୀ ହେଲା, ଗୋଟେ ତ୍ରିଭୁଜ ତ୍ରିଭୁଜ ଏଡିଏରେ ତା ମାନେ ଇଏ କେତେ ହେବ, ଇଏ ଗୋଟେ ସମକୋଣ ଇଏ 90 ଡିଗ୍ରୀ ହେବ କି ନାହିଁ, କାରଣ 90 45 45 କେତେ 90, ତାହେଲେ ଗୋଟେ ତ୍ରିଭୁଜ ତିନି କୋଣ ସମସ୍ତେ କେତେ 180 180 90 ଡିଗ୍ରୀ ମାଇନସ୍ କରିଦେବା, ତ ଇଏ 90 ଡିଗ୍ରୀ ଆସିଗଲା କି ନାହିଁ, ତ ଇଏ 90 ଡିଗ୍ରୀ ଆସିଗଲା, ଆଉ ଯେହେତୁ କ'ଣ ଦୁଇଟା ସମାନ ସମ୍ମୁଖୀନ କ'ଣ ହେବ ବାହୁ ଦୁଇଟା ସମ୍ମୁଖୀନ ବାହୁ ଦୁଇ ସମାନ ହେବ, ତା ମାନେ ଏଡି ସହିତ କିଏ ସମାନ ହେବ ଏଇ ସମାନ ହେବ, ସେଟା ଲେଖିଦେବା ଫାଇଦା ଦେଖ ତ୍ରିଭୁଜ ଏଡିଏରେ ଏଇଡି କ'ଣ ସମାନ ଏଡି କ'ଣ ସମାନ 45 ଡିଗ୍ରୀ, ତା ମାନେ ଏଡି ସମାନ ଏଇ କେତେ 3 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଏବଂ ଡିଏ କ'ଣ ହେଉଛି 90 ଡିଗ୍ରୀ, ବୁଝିହେଉଛି କି ନାହିଁ। ସେମିତି ଦେଖ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ତ୍ରିଭୁଜ ନେବା, ତ୍ରିଭୁଜ ବି ସି ଏଫ୍ରେ ହେଲା ଦେଖ ଇଏ 45 ଡିଗ୍ରୀ ଇଏ 45 ଡିଗ୍ରୀ, ଇଏ କେତେ ହେବ ଏ 90 ଡିଗ୍ରୀ ହେବ କି ନାହିଁ, ଗୋଟେ ତ୍ରିଭୁଜ ଦେଖ ତ୍ରିଭୁଜ ବି ସି ଏଫ୍ରେ ଗୋଟେ ତ୍ରିଭୁଜ ତିନି କୋଣର ପରିମାଣ ସମାନ 180 ଡିଗ୍ରୀ, ତା ମାନେ ଏ ଦୁଇଟା ମିଶିଲେ 90,
90 तो ये 180 रु 90 माइनस कर देबा त माने ये केते हो ये 90 हि जीवो कि नै त आउ देखो ये दुटा कोण समान माने दुटा बाहु समान कि नै ये 3 सेंटीमीटर माने ये भी 3 सेंटीमीटर आ जीवो बुझि हला कि नै तो सर लिखि दा ठीक सही परि त्रिभुज BCF रे BCF कोण समान BFC कोण BF समान BC समान 3 सेंटीमीटर एवं CBF समान 90 डिग्री हला तो देखो हमर AB टा माने में कोण जानि त माने ये भी आसी गला केते ये आसी गला 3 सेंटीमीटर ये आसी गला केते 3 सेंटीमीटर कि पेना बाहु द्वय समान हो ए कोण दिते समान बाहु द्वय समान हो देखो ए बी समान तबे में कोण जान ले ना ए बी होची ए ई युक्त ई एफ युक्त एफ बी हेले ए बी हेबो ता माने 3 युक्त 2 युक्त 3 3 2 केते 5 5 3 केते ना 8 ता माने ए 8 असला ए 3 3 असला ए 8 त माने ए गुटे आ चित्र हला कि नै आ चित्र हला बुझी हला कि नै देखो सर लिखि देबा अत ए बी समान ए प्लस ई एफ युक्त बी एफ माने 3 प्लस 2 प्लस 3 सेंटीमीटर माने 8 सेंटीमीटर तो अत ए बी सी चतुर्भुज रे ए बी सहित डी सी समान ए डी सहित बी सी समान है आ ए कोण आ बी कोण भी 90 डिग्री 90 डिग्री है त माने कोण ना ए बी सी डी एक आयत चित्र ना विपरीत बाहु गुडा को समान है कोण देखो दिते समान है त माने कोण ना ए बी सी डी एक आयत चित्र हो अत ए बी सी डी एक आयत चित्र प्रमाणित देखो भी रे अछि ए बी सी डी एक समांतर चित्र जदि ए बी समान 2 ए डी एवं पी होची सी डी रेखाखंडर मध्य बिंदु ए तबे दर्शाओ जे ए पी भी कोण होची 90 डिग्री तामर लेखि दो तोरे तिकि नै लेखि दबा एटा होची दर्शाउ डा तमे कोन कोन ना प्रामाण्य रे लेखि दबा ए पी बी कोन होची 90 डिग्री बुझि हला तो देखो ए बी सी डी को समान चित्र रे हम कोन दिआइ छी ना ए बी होची कोन ना 2 ए डी ए बी समान 2 ए डी हला आउ कोन ना पी होची सी डी रो मध्य बिंदु आउ सी पी समान कोन ना डी मध्य बिंदु माने सी पी समान कोन हबो डी पी हबो कि माने पी होची डी सी रो मध्य बिंदु ता माने डी पी समान डी सी हबो देखो आमर ए बी सी डी समान चित्र माने ए बी रो समांतर अवकाश तो डी सी सहित समांतर हो से ए डी रो समांतर अवकाश तो बी सी सहित कि जानि थिबा कथा आ प्रमाण रे कोन ना ए पी बी कोन ई केते दै छी आ प्रमाण करबा कोन ए पी बी कोन टा होची 90 डिग्री में बोली प्रमाण करबा बुझि हला देखो प्रमाण केमिति करबा ना ए बी सी डी समांतरिक चित्र रे देखो ए बी टा समान 2 ए डी तोरे दिआइ छी कि ना ए बी समान 2 ए डी लेखि देबा आ पी दिआइ छी कोन ना सी डी रो मध्य बिंदु ता माने ए डी सहित के समान हो समान चित्र माने देखो ए बी समान 2 ए डी समान चित्र माने हम जानिचे कोन ना ए डी सहित के समान हो ए डी सहित देखो आ बी सी सहित के समान हो देखो बी सी होची बी सी सहित सी सी पी बी सी सहित के समान बी सी सहित सी पी समान हो हला तो देखो हमर ए बी सहित जदी सी डी समांतर बा समान ए बी समान सी डी आ ए डी समांतर बी सी बा ए डी समांतर बी सी माने ए डी सहित के समान बी सी समान हबो देखो जदि ए बी हो समान 2 ए डी दिया आइ छी देखो जदि 2 ए डी माने ए बी रहउ छी केना ए बी समान 2 ए डी आ पण दिए छी कोन ए मध्य बिंदु ता माने देखो डी सी रो मध्य बिंदु के पी ता माने देखो डी पी सहित के समान हबो ए डी समान हबो कि नै कि पई देखो ए सहित ए समान आ ए बी समान कोन ना 2 ए डी मतलब 2 गुण कि नै ये 2 गुण हेले ये गोटे हबो त ये अधा होय त माने ये तार 2 गुण माने माने ए डी रो केते 2 गुण माने 2 ए डी हेले केते हबो ए बी हबो माने ए बी टा समान कोन ना 2 * ए डी त माने पुणी दै छी ए तार अधा ए बी समान डी सी हम जानि जे जेतु समान चित्र त माने पी होची कोन ना डी सी रो मध्य बिंदु यदि मध्य बिंदु हबो त माने डी पी सहित की हबो ए डी समान हबो कि नै सेन देखो बी सी सहित समान हबो कि डी समान हबो कि पाइना ए तार 2 गुण 2 ए डी हेले 2 ए डी हेले गोटे ए बी हबो ए बी हबो माने ए बी समान 2 ए डी माने ए बी सहित डी सी समान त माने डी पी टा ए डी सहित समान हबो कि नै जदि पी सी टा के सहित ना पी सी टा बी सी सहित समान हबो कि लेखि देबा तो त्रिभुज ए डी पी रे त्रिभुज ए डी पी रे ए डी समान कि ना डी पी तो तार सम्मुखीन कोण द्वय कोण हबो समान माने ए कोण सहित के समान हबो ए कोण समान हबो तो डी ए पी कोण डी ए पी कोण आ ए पी डी कोण मने कर आमे ताकु नेबा एक्स जदि दिटाकु एक्स नेबा मने कर जाउ त माने डी ए पी कोण युक्त डी पी ए कोण युक्त पी डी ए कोण मिसले 180 डिग्री हबो कि नै त लेखि दे देखो एटा त्रिभुज ए डी पी रे ए डी समान डी पी त डी ए पी कोण युक्त डी पी ए कोण सूची एक्स मने कर जाउ त डी ए पी कोण युक्त डी पी ए कोण युक्त पी डी ए कोण सूची 180 डिग्री जेहेतु त्रिभुज रो तीन कोण रो परिमाण समान 180 डिग्री तो डी ए पी कोण जगह में एक्स लिखि देबा डी पी ए कोण जगह एक्स लिखि देबा पी डी ए कोण जगह पी डी ए कोण देबा 180 डिग्री एक्स एक्स कते 2x 2x प्लस एम पी डी ए कोण समान कते 180 डिग्री तो पी डी ए कोण समान कते ना 180 डिग्री माइनस 2x ए प्लस 2x टा प्लस ना माइनस 2x जीवो एटा को इक्वेशन 1 कर देबा तेंती देखो आमे ए डी पी नेले एबे आमे ए त्रिभुज टा कोण नेबा त्रिभुज बी सी पी नेबा त्रिभुज बी सी पी रे हला हला सी पी सहित बी सी समान ता माने कोण जदि आमे जेतर सम्मुखीन कोण द कोण ए दुटा कोण समान हेबो कि नै दुटा कोण समान हेबो माने बीपीसी कोण सहित समान हेबो कि
ना पी बी सी कौन सामान हम कि बाहू दिया दुटा जो समान सम्मुखीन कौन दुटे जो सामान हम जीटा को वाई ना ये के वाई हो कि नहीं तो देख त्रिभुज बीपीसी सी बी पी कौन युक्त बीपीसी कौन युक्त पीसी बी कौन के ना 180 डिग्री कि गोटे त्रिभुज तीन कोण परिमाण समष्टि 180 डिग्री तो सी बी पी कौन वाई ना मैंने सी बी पी कौन सी पी बी कौन मैंने वाई ने तो पी बी सी कौन के वाई हम तो वाई प्लस वाई बी सी पी कौन बी सी पी कौन मैंने ये मैंने ना 180 डिग्री तो वाई वाई के टू वाई प्लस बीसीपी कौन सामान 180 डिग्री तो बीसीपी कौन सामान के प्लस टू वाई प्लस कौन माइनस टू वाई इक्वेशन टू दे आम पीडीए कौन सामान 180 डिग्री माइनस टू इक्वेशन वन तो बीसीपी कौन सामान 180 डिग्री माइनस टू टू वाई एटा इक्वेशन टू है कि देख आम जाचे सामान्यतर रहा क्रमिक कोण परिमाण समय के 180 डिग्री अर्थात डी कोण तो सी कोण समान के 180 डिग्री हम कि नहीं को हमें कही बा ए डी समांतर बी सी छेद कौन डी सी तो छेद कर एक पार्श्वस्त अंतस्थ कोण परिमाण समय के ना 180 डिग्री अर्थात डी कोण तो सी कोण 180 डिग्री लिख लो जेहेतु ए डी समान कोण समांतर बी सी बुझीगला कि नहीं तो डी कोण जगह आम के लिखीद देख डी कोण कौटा पाइचे ना पीडीए कोण पीडीए कोण जोटा डी कोण से नहीं तो पीडीए कोणटा के ना यहाँ 180 डिग्री माइनस टू तो पीडीए कोण जोटा देख पीडीए कोण जोटा डी कोण से नहीं मैंने आम लिखीद 180 डिग्री माइनस टू सी कोण जगह देख बीसीपी कोण जोटा सी कोण से मैंने देख बीसीपी कोण तो मैंने दुटा कोण लिखीद तो डी कोण जो सी कोण 180 डिग्री जेहतु ए समांतर बीसी तो डी कोण जगह आम लिखीद 180 डिग्री माइनस टू एक्स प्लस सी कौन जगह लिखीद 180 डिग्री माइनस टू वाई समान कि 180 डिग्री तो 180 डिग्री आज देख अटे अच्छी 180 कौन हम माइनस हो तो 180 डिग्री 180 डिग्री ये देख माइनस प्लस टा आसा माइनस हो गला तो माइनस टू एक्टा प्लस टू एक्स माइनस टू एक्टा कौन प्लस टू वाई तो ये प्लस प्लस 180 डिग्री माइनस 180 डिग्री कैनसल होगा तो रहा कौन ना 180 डिग्री टू एक्स प्लस टू वाई कमन के टू कमन गला टू इंटू एक्स प्लस वाई है तो टू टा प्लस कौन जो हर नहीं जो तो देख एक्स प्लस वाई मान के 180 डिग्री बै टू मैंने एक्स प्लस वाईटा के 90 डिग्री आसला बुझीगला कि है कि देख एपी भी कौन सामान एक्स प्लस वाई मान 180 डिग्री कि सरल रखिए कौन देख एक्स प्लस आम एपी भी कौन एपी भी कौन मैंने कौन एक्स प्लस वाई हम सरल रखिए कौन कि ना एपी भी कौन तो एपी भी कौन एक्स एपी भी कौन मैंने कौटा देख टोटाल कौन एपी भी कौन मैंने केवना एक्स प्लस वाई हूँ के 180 डिग्री कि मैंने सरल रेखी कौन कौन हम बुझेगा कि नहीं तो एक्स प्लस वाईटा के 90 डिग्री पाइले कि नहीं एक्स प्लस वाई 90 डिग्री पाइले तो एपी भी कौन सामान के एपी भी मैंने कौटा कौन एपी भी टाइम सरल रेखी कौन एपी भी कौन सरल रेखी कौन तो एक्स एपी भी कौन जुटो एक्स एपी भी कौन सामान के एक्स प्लस वाई हम कि नहीं एक्स प्लस वाई हम कि ना देख एपी एपीडी कौन एपीडी कौन टाक आम एक्स नहीं एक्स नहीं देख बीपीसी कौन टाक आम के लिए ना बीपीसी कौन लिखीद देख जेहेतु लिखीद एपीडी कौन एपीडी कौन टाक मुझे नहीं एपीडी कौन टाक एक्स नहीं कि ना से देख आमर बीपीसी कौन एम एपीडी कौन एम एंगेल बीसी बीपीसी कौन बीपीसी कौन टाक नहीं वाई नहीं एक्स डिग्री वाई डिग्री तो देख एपीबी कौन सामान कौन एपीबी कौन सौ कौन केमती आसब ना देख आम टोटाल नहीं एपीबी कौन टाक नहीं एपीडी कौन टाक नहीं एक्स आपीपीसी कौन टाक नहीं वाई तो एपीबी कौन सामान कौन एक्स प्लस वाई प्लस एक्स प्लस वाई सामान 90 डिग्री कि सरल रेखी कौन तेज एपीबी कौन जो एक्स प्लस वाई अच्छी है एक्स प्लस वाई जगह आम के लिखीद 90 डिग्री लिखीद कि नहीं एक्स प्लस वाई हूँ के 90 डिग्री बुझीगला कि नहीं हूँ 180 डिग्री बुझीगला तो एपीबी कौन सामान कौन हम ना 90 डिग्री सामान 90 डिग्री प्लस 180 डिग्री बुझीगला कि नहीं तो आमर आसला कौन एपीबी कौन युक्त लिखीद बुझेगा एपीबी कौन युक्त एक्स प्लस वाई सामान के 180 डिग्री कि ना देख आमर एपीबी कौन चित्रटा को लक्ष्य कर देख एपीबी कौन कहले कौन से उपर कौन आम एपीडी कौन आम देख एपीडी एपीबी कौन युक्त एपीडी कौन युक्त बीपीसी कौन है पूरा कौन आसी आम एपीडी कौनटा बाहर मैंने एपीडी कौन युक्त ए सरी एपीबी कौन युक्त कौन हम ना एपीडी कौन युक्त बीपीसी कौन हम कि बीपीसी कौन हम तो मैंने मिसले के 180 चित्रटा को देख आउ थे कह दूसरी बुझे बुझे देख मैं सैड कह दूसरी है तो देख ये ए बी सी डी है तो आमर आसला कौन ये देख लक्ष्य कर आम यही कौनटा बाहर करूचे तो ये कौन ये एक्स ये बी एक्स है आउ एटा कौन नहीं वाई नहीं सी पी भी कौन एटा पी है
सीपी कौन एटा नहीं वाई नहीं ये भी वाई आसाला तो देख ये मिसले एपिपि कणटा के बार एपिपि कौन ये सरल देखिको कौन मान देख कि एपिपि कौन जुक्त एक्स प्लस ये एक्स ये वाई पुराटा आसब ये पुराटा आसब ये पुराटा ये पुराटा आसला मैंने कौन हम एक्स जुक्त एपिपि कौन जुक्त वाई है कि नहीं एक्स आम लिखीद एपिपि कौन एपिपि कौन जुक्त एक्स प्लस वाई मैंने वाने सरल देखिए कौन तो मैंने एपिपि कौन एक्स प्लस वाई जगह के लिखे बाहर नाम 90 डिग्री तो एपिपि कौन जुक्त 90 डिग्री सामान होती 180 डिग्री तो एपिपि कौन सामान के प्लस 90 डिग्री माइनस 90 डिग्री जीव तो एपिपि कौन होती 90 डिग्री तो आम आसगला कि नहीं प्रमाण होगा कि नहीं तो लिखीद एपिपि कौन होती 90 डिग्री प्रमाणित बुझीगला कि नहीं तो तुम 5 नंबर टा कम्प्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में 6 नंबर आलोचना करवा आशा करुच्छी पिला भिडियो को भलसे बुझीपारे भिडियो को लाइक कमेंट सब्सक्राइब और सेयार कर बेल आइकन टाक दबाई दबो जहाँफल कि मोर भिड आस नोटिफिकेशन पड़े। थैंक यू।